गोरखपुर में कोरोना वायरस को मात देने और इससे बचाव के लिए प्राइवेट अस्पतालों में टीकाकरण की व्यापक शुरुआत से पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों ने सभी प्राइवेट अस्पतालों के लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट के साथ ही ANM GNM के साथ बैठक किया। गौरतलब है कि सरकारी अस्पताल में कोरोना का टीका पहले से ही लगाया जा रहा था, वहीं इस क्रम में प्राइवेट अस्पतालों को जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हैं उन्हें भी शामिल किया जा रहा है ताकि आम जनमानस की बड़ी संख्या भी आसानी से लाभान्वित हो सके। इसके लिए प्राइवेट अस्पतालों के सभी लैब टेक्नीशियन ANM GNM को कोरोना के टीके के बारे में गहरी जानकारी दी गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, टेस्ट किया जाएगा तो फिर वो कंप्यूटर पे पोर्टल पे अपलोड होगा। तो यहां वो दो एस्पेक्ट है, वैक्सीनेटर शुड हैव पोर्टल पे अपलोड हुआ तो उसका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है या किसी को कुछ माइनर फीवर बुखार बाकी कुछ चीजें हो सकती है प्रॉपर्टी तो आपके लिए एक आप किसी इंश्योरेंस स्कीम को डील कर रहे हैं या आपके पास जो रूम और स्पेस की बात हो रही है वो, और तीसरा कि वहाँ पे आपके पास ट्रेन टीम हो जो वैक्सीनेशन हायर अथॉरिटीज पे डिसाइड करें। जो वैक्सीन है उसमें वैक्सीन ट्रायल मॉनिटर नहीं है जो आमतौर पर आ चुकी। कोरोना वैक्सीनेशन थर्ड फेज में चला गया है और बहुत सारे बेनिफिशरीज हैं जो 45 साल से ऊपर और 60 साल से ऊपर के लोग हैं और हमारे पास करीब 5 लाख के आसपास वैक्सीनेशन के लिए लोग हैं। तो और दूसरी तरफ बीमारी दूसरे राज्यों में बढ़ रही है तो सरकार ने फैसला लिया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लोगों को भी जो हमारे CGHS से या आयुष्मान भारत से आच्छादित हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है उनको भी हम लोग शामिल कर लें और प्राइवेट में वैक्सीनेशन होता रहे। उसी सिलसिले में हम सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लोगों को बुलाए थे कि उनको थोड़ा ओरिएंट कर लें कि कैसे सेशन चलाना है, कैसे वैक्सीनेशन करना है, उसी की चर्चा के लिए हमने सबको बुलाया हुआ था। सर उनको मतलब एक तरह से एक लर्न एक शिक्षित हाँ शिक्षित कर रहे हैं कि कैसे कोविन पोर्टल कैसे चलना है वो लोग समझ गए और बहुत अच्छी तरह से करेंगे। उनकी छोटी छोटी क्वेरीज थी उसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया। अब सब लोग कॉन्फिडेंट हैं, अपने अपने जगह जा कर के वैक्सीनेशन चालू कर सकते हैं क्योंकि प्राइवेट में पर डे चलने का है, जब भी चाहें वो चला सकते हैं, पर डे चला सकते हैं। और गवर्नमेंट में हम अपने जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और BRD मेडिकल कॉलेज में 6 दिन चलाएंगे सेशन और PSC CSC पर हम 3 दिन सेशन चलाएंगे।